Assalamu alaikum guys, what's up? So I'm back again with another video. So in today's video we will be reviewing the iPhone 11 Pro Max. So let's get started with the iPhone 11 Pro Max. So talking about its design, so the design on this phone is really amazing. It's a very handy design, I can say, from the previous iPhones and the upcoming iPhones. The sides hain iski wo bahut bahut slim hai, kafi grippy hai, aur कंपेरिजन अगर मैं कर लूँ इसका डिज़ाइन का तो 13 प्रो और 12 प्रो वगैरह से इसकी जो साइड्स हैं वो काफ़ी जो है वो स्लिम है कंपेयर टू 13 प्रो एंड 12 प्रो। तो स्लिम इन द सेंस कि थोड़ी ग्रिपी हैं मोर, वो भी खैर ग्रिपी बॉक्सी डिज़ाइन है, लेकिन स्टिल उसका जो है ना एक इशू ये है कि वो बहुत बहुत जो है ना विदाउट कवर अनॉय करता है बंदे को, कम्फर्ट लेवल नहीं है हैंड जोन में अगर देखें। बाकी जो डिज़ाइन है काफ़ी सिमिलर है 12 प्रो से और 13 प्रो से। इसका सिर्फ जो कैमरा बम्प्स हैं वो बड़े हो गए हैं, जो 12 प्रो वगैरह में आते हैं वो 12 प्रो एंड 13 प्रो में कैमरा बम्प्स इंक्रीज़ हो गए हैं, और साइड्स जो हैं उन्होंने बॉक्सी दे दी हैं। अदर देन दैट देर इज़ नो डिफरेंस। बाकी जो सिंपल सीरीज़ आती है ना इनकी 12 प्रो एंड द 13 प्रो सिंपल, उनमें स्क्रीन साइज़ का इशू है, 6.1 इंच स्क्रीन होती है। दिस फोन राइट हियर इज़ द 11 प्रो मैक्स जो कि 6.5 इंच डिस्प्ले है एंड अ वेरी क्रिस्पी डिस्प्ले आई कैन से। 120 हर्ट्ज़ को कम्पीट तो नहीं करता, लेकिन 800 निट्स सुपर एमोलेड HDR10 के लिहाज से डिस्प्ले अच्छा है इसका। कैमरा की अगर मैं बात कर लूँ तो कैमरा इसका बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन टू अदर फोन्स जो इसके कंपेटिटर्स थे। इसके कंपेटिटर्स 2019 में जो कंपेटिटर्स इसके लॉन्च हुए थे सैमसंग के और शियाओमी के और डिफरेंट कंपनीज के, उनसे इसका कैमरा आई कैन से बहुत अच्छा था। उस वक्त नाइट मोड इसमें ऐड ऑन हुआ था जो कि बहुत एक एडिशन था इस फ़ोन के लिए, और ट्रिपल कैमरा सेटअप जो इन्होंने दे दिया था वो उसको बीट करना उस वक्त इस डिज़ाइन को वो कोई और फ़ोन नहीं कर रहा था, तो ये एक एडवांटेज मिला था कैमरा वाइज। अगर हम देख लें इसको, पोर्ट्रेट मोड है इसका, पोर्ट्रेट मोड पे ये है कि ये 2x तक चला जाता है, और अब जो अपकमिंग है उसमें तो वाइड एंगल भी वगैरह भी आ गया, और अब कंपेयर टू 13 प्रो अगर हम देखें तो उसमें सिनेमैटिक मोड भी आ गया, लेकिन स्टिल आई कैन से रूम फॉर इम्प्रूवमेंट बाकी है सिनेमैटिक मोड में। मैंने कुछ उसकी फिल्मिंग की है सिनेमैटिक मोड पे, लेकिन इसमें ना अभी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट बाकी है। आई गेस 14 सीरीज़ में जो है ना उसका वो जो सिनेमैटिक मोड है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। अदर देन दैट कैमरा ऑब्वियसली कंपेयर तो हम 13 प्रो से नहीं कर सकते, उसका कैमरा ज़्यादा अच्छा है इससे, लेकिन स्टिल जिस बजट में ये फ़ोन है उस बजट में इसका कैमरा बहुत अमेजिंग है, अच्छी फ़ोटोज़ ले लेता है लो लाइट पे भी और अच्छी लाइटिंग पे भी ले लेता है। अब मैं आपको इसके बॉक्स के कंपैरिजन दिखाता हूँ, इसके जो बॉक्स के कंपैरिजन है वो भी मैं दिखाता हूँ कि इनमें ईयर वाइज कितना चेंज आ गया है। बॉक्सेस में अगर हम कह लें तो इसके बॉक्सेस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। अगर इसके बॉक्स की बात करें तो ये है इसका बॉक्स 11 प्रो मैक्स का, और इन कंपैरिजन टू अगर हम इसका कंपैरिजन कर लें तो वो होता है 12 प्रो से। और इसका बॉक्स देखें, ये चार्जर ना देने के लिए वजह से
बॉक्सेस छोटे हो गए। और 13 प्रो का भी सेम यही वाला बॉक्स है ऑलमोस्ट, उसके अंदर बस यहाँ पे एक सील लगी होती है और यहाँ पर भी, टू अनबॉक्स इट। बाकी तकरीबन सिमिलर बॉक्स है उसका भी, तो ये बॉक्स कंपैरिजन भी हो गया। बैटरी लाइफ की अगर मैं बात कर लूँ तो बैटरी लाइफ इसकी काफ़ी अच्छी है, 6 to 8 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम ये दे देता है। अगर आप 4G LTE पे यूज़ करते हैं उसको सारा दिन, तो ये राउंड अबाउट 6 to 6.5 आवर्स ईजीली दे देता है। ऑन एवरेज यूज़ तो नहीं, लेकिन मुसलसल अगर आप इसको यूज़ करते हो तो 6 to 6.5 आवर्स का ये स्क्रीन ऑन टाइम ये दे देता होता है। तो बैटरी टाइमिंग तो बहुत अच्छी है इस फ़ोन की, लेकिन जो एक मेन कंसर्न है, 3969 mAh इसकी बैटरी है। उस लिहाज से अब क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना होता जा रहा है, बैटरी हेल्थ डिक्रीज़ हो जाती है फ़ोन्स की, तो शुरू में तो ये फ़ोन मुझे याद है 10-10 घंटे का भी स्क्रीन ऑन टाइम दे देते थे ऑन वाईफाई। लेकिन अब क्योंकि विद टाइम ऑब्वियसली थोड़ा सा डाउनग्रेड तो आ जाता है बैटरीज में, अपडेट्स भी क्योंकि आ गई हैं iOS 15 वगैरह की, तो उस लिहाज से स्टिल इट्स नॉट बैड, 7 आवर्स का बैकअप मुझे मिल जाता है ऑन। और वो एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से 1 डे बैकअप ही कह लो आप उसको, एक दिन में आप मुसलसल 7 घंटे तो यूज़ नहीं करते, तो उस लिहाज से अगर मैं कहूँ तो बैटरी टाइमिंग इसकी बेटर है। रैम और प्रोसेसर की अगर मैं बात करूँ तो वो तो खैर गेमिंग और उसमें ही पता चलता है मोस्टली। वैसे तो एप्पल का कोई, जिसे कहते हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसको आप बेच कर कोई 12 प्रो पे जाते हो ना, तो हार्डली आपको एप्स ओपनिंग पे जो है ना कोई फ़र्क मिलेगा, वो भी मिली सेकेंड्स का मिलेगा, और भी कोई इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चलेगा। अगर आप इसको बेच के अपग्रेड करते हो ना, तो आपको कैमरा इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेंगे, लेकिन स्पीड वाइज इतना ख़ास मुझे नहीं फ़र्क महसूस हुआ। मैंने तीनों यूज़ कर ली है, मुझे इतना ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस हुआ। हाँ, कैमरा इम्प्रूवमेंट्स मैसिव हैं, और एक वो होता है ना कि जी लेटेस्ट मॉडल है तो बस ठीक है, वो वाला एक शशका पूरा हो जाएगा आपका। अदर देन दैट ये भी वही काम करेगा जो आपका 13 प्रो करेगा। हाँ, कैमरा उसका कम्पीट नहीं आप कर सकते, लेकिन स्टिल अगर आपने पैसे खर्चने हैं तो यू कैन गो फॉर इट, लेकिन स्टिल इट्स अ ग्रेट फ़ोन। लेकिन जो प्राइसिंग है ना आजकल, वो उस लिहाज से अगर मैं कहूँ तो इतना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि 175K इज़ टू मच फॉर दिस ओल्ड 2019 मॉडल फ़ोन। फिर आप इसकी जगह अगर आईफोन ही नहीं लेना, तो इसकी जगह आप S21 Ultra पे जा सकते हो, Note 20 Ultra पे जा सकते हो, तो वो बहुत बेहतर इससे परफॉर्मेंस में भी हैं और कैमराज में भी थोड़े से इम्प्रूवड हैं। अब रैम और प्रोसेसर वेरी करता है कुछ कुछ चीज़ों में। अब कुछ लोग जो हैं इसको एज अ फ़ोन वीडियो एडिटिंग भी इस पे कर लेते हैं, कुछ लोग इस पे फिल्मिंग करते हैं, कुछ लोग फोटोग्राफी करते हैं, एडिटिंग करते हैं, तो उस पे भी इसका प्रोसेसर इतना गुड इनफ है। मैंने इस पे आई मूवी इंस्टॉल किया हुआ है और उससे मैंने तकरीबन कुछ 6-7 वीडियोज़ एडिट की थी, और मुझे कोई लैग या कोई वो ऐसा जो है ना वो फील नहीं हुआ कि यार कहीं पर ये लैग कर रहा है किसी चीज़ में, तो एडिटिंग के लिए भी ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इसको कि लेना है या नहीं लेना है इस प्राइसिंग में, तो जो प्राइसिंग है ना इसकी, वो तो समझ नहीं आती। 175 PTA के प्राइसेस की वजह से ना इसकी प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुकी हुई है, लेकिन स्टिल अगर किसी ने आईफोन ही लेना है तो उसके लिए इससे बेटर ऑप्शन इस प्राइस ब्रैकेट में नहीं होगी। हाँ, उसके लिए एक ऑप्शन ये है कि अगर तो उसको ये 3 कैमरा नहीं चाहिए बैक पे, तो वो 12 सिंपल वाला भी ले सकता है, और आपको 13 भी आई गेस मिल जाएगा नॉन PTA में उसको सिंपल वाला, तो वो स्पेक्स वाइज इससे काफ़ी बेहतर होंगे प्रोसेसर वाइज और सारा, और फिर लेटेस्ट भी हैं। लेकिन अगर तो 3 कैमरे ही चाहिए तो फिर इससे अच्छी ऑप्शन नहीं मिलेगी आईफोन में। और अगर इस पे ही आपको ये 3 कैमरे बॉदर नहीं करते, तो आई कैन सिंपली से कि आप फिर सिंपल 13 बॉक्स पर भी ले सकते हैं, कि उसमें एटलीस्ट चीज़ें अपग्रेडेड हैं, उसका प्रोसेसर अपग्रेडेड है, उसका डिज़ाइन अपग्रेडेड है, उसकी बैटरी लाइफ ऑब्वियसली थोड़ी सी बेटर होगी, इससे बॉक्स पैक फ़ोन होगा, ये यूज मिलेगा आपको, तो उस लिहाज से आप उस ऑप्शन को भी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर 3 कैमरे ही लेने हैं तो फिर 11 प्रो मैक्स अच्छी ऑप्शन नहीं मिलेगी इस प्राइस ब्रैकेट में। लेकिन अगर आईफोन की वो नहीं है ना, कि नहीं भी लेना तो चलेगा, कोई और भी ले सकते हैं उस बजट में, तो फिर S21 Ultra बहुत अच्छी ऑप्शन है।
उसका आराम से किट्स में आजकल फोन 122 123 का मिल जाता है, और वो पैच्ड भी होते हैं और डिफरेंट इसमें जो है ना फिर चीज़ें आ जाती हैं। ऑफिशियल पीटीए वाला भी जो है ना 160 170 का मिल जाता है आपको। तो S21 Ultra इससे तो बहुत बेहतर ऑप्शन है अगर आप सैमसंग पे चले जाते हो। लेकिन अगर रट है कि जी आईफोन ही लेना है, आईफोन आईफोन है, तो फिर 11 Pro Max से अच्छी ऑप्शन नहीं मिलेगी।